रवि किशन जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन है। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। हाल ही में आई उनकी फिल्म लापता लेडीज तो ऑस्कर तक पहुंच ही गई। रिसेंटली रवि ने भोजपुरी सिनेमा और उसकी रेपुटेशन पर बात की। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए साहित्य आज तक में रवि किशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने करियर और भोजपुरी सिनेमा की साख पर बात की। रवि ने कहा, मुझे मेरी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने हिंदी, तेलुगु और लगभग हर भाषा की फिल्मों में काम किया। लोगों ने मुझे टीवी पर भी देखा। लोग कहते हैं कि वो सफलता के रास्ते पर चले, मगर मैं तो इस रास्ते पर घसीट घसीट कर पहुँचा हूँ। इस रवि किशन के पीछे बहुत सारी मेहनत है। रवि ने कहा कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉड फादर नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी सफलता पाई है वो खुद की मेहनत से पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में रामलीला करते हुए उनके घर वाले उनके खिलाफ थे, मगर समय के साथ चीज़ें बदली और वो हिंदी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर बन गए। भोजपुरी सिनेमा में आजकल जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, उसकी रेपुटेशन को लेकर भी रवि ने बात की। उन्होंने कहा, मैं वो आदमी हूँ जिसने भोजपुरी सिनेमा का तीसरा फेज देखा है। आज के समय में इस इंडस्ट्री में तकरीबन 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं। समय के साथ एक्टर्स और जूनियर्स मुंबई मूव कर जाते हैं, मगर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने जूनियर्स से ना खुश हूँ। उन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा की साख को बर्बाद किया। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसे करीब 25 करोड़ लोग बोलते हैं। मुझे इस पर बहुत गर्व है। मैंने तो इसे अधिक महत्व देने के लिए एक बिल तक पेश किया है। रवि किशन ने अपनी फिल्म लापता लेडीज पर भी बात की, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर श्याम मनोहर बने थे। उन्होंने कहा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप स्क्रीन पर इतने ऑर्गेनिक और फ्रेश कैसे दिखते हैं। मेरे अंदर लोगों को ऑब्जर्व करने की आदत है। मैं उन्हें अपने दिमाग में रखता हूँ और इससे कैरेक्टर रेफरेंस की तरह देखता हूँ। श्याम मनोहर किरदार के लिए भी मैं बिहार के एक असली पुलिस ऑफिसर से मिला था। वो बिल्कुल मनोहर जैसे ही थे। वो भी मुंह में पान रखकर बात किया करते थे, तो ये किरदार निभाते समय वही मेरे दिमाग में थे। रवि ने कहा कि उनका सपना है कि इंडस्ट्री में भोजपुरी सिनेमा को भी बराबर का सम्मान मिले। रवि ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की हैं, जिसमें पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई और बांके बिहारी एमएलए जैसी फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने फिर हेरा फेरी, तेरे नाम, रावण, मुक्केबाज, बाटला हाउस और लापता लेडीज जैसी हिंदी फिल्में भी की हैं। रिसेंटली रवि अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में भी दिखाई दिए थे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।